गुरु वशिष्ठ अगला जो उपदेश भगवान श्री राम को दे रहे हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ अभी गुरु के रूप में और भगवान श्री राम एक जिज्ञासु के रूप में है, इनका दोनों का प्रश्नोत्तर चल रहा है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम जी आपको ब्रह्म विचार के माध्यम से अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, और ब्रह्म विचार में जाने के लिए सीधे नहीं जाया जाता है। जो सीधे चले गया है, जो बचपने से अगर गया है ब्रह्म विचार में, उसका अभ्यास कर रहा है, इसका तात्पर्य है कि वो पिछले अनेक जन्मों से उसने अभ्यास किया है। लेकिन जो अभी उस ओर अभी परिपक्व नहीं है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे कि केवल ध्यान किया करो, आपको ये पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी किसी मूर्ति को रखने की आवश्यकता नहीं है, कि या कोई किसी प्रकार के और जो ये नाम रूप के लेकर के आप ये बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ होती हैं, इनको छोड़ दो, आप केवल आप विचार करो कि मैं कौन हूँ, बल्कि विचार भी नहीं, केवल मेडिटेशन किया करो। लेकिन गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आपको ब्रह्म विचार में जाने से पहले आपको उपासना मार्ग को पकड़ना होगा, क्योंकि वेदों में तीन कांड दिए हैं, एक तो कर्मकांड है, दूसरा है उपासना कांड, और तीसरा है ज्ञान कांड। कर्मकांड का तात्पर्य है कि अगर वो व्यक्ति अगर अभी पक्का नहीं हुआ है, उसका चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ है, उसके मन में अभी अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, तो उसके लिए उसको पहले कि वो ऋणात्मकता की ओर न जाए, अर्थात वो पाखंड की ओर न जाए, चोरी की ओर, हिंसा की ओर न जाए, तो उसे ये कहा जाता है कि आप शुभ कर्म करो, अगर आपको भौतिक संपदा पानी है तो शुभ कर्म करो, आप शुभ कर्म के माध्यम से आपको सुख तो मिलेगा, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और उसके अनुसार में फिर वो मंत्रोच्चारण से या जो उसके दैनिक कर्तव्य हैं, जो कर्तव्य व्यक्ति का आया है, वो उसका कर्मकांड बन जाता है। विभिन्न कर्मों में संलग्न रहते हुए वो संसार की भौतिकता को एकत्र करता है, और उसे एकत्र करने के बाद में उनके सुखों का उनको अनुभव, उसके अनुभव को लेता है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये ज्ञात होता है कि जिन सुखों के पीछे मैं इस ये कर्मकांड में संलग्न हूँ, अर्थात किसी भी संसार के जो भी कर्मयोग है, कर्मभोग है, उसमें संलग्न हूँ, जैसे व्यापार हो गया, नौकरी हो गया, ये भी आपका कर्मकांड है, लेकिन मुझे अभी वो सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे जो शांति चाहिए थी वो नहीं प्राप्त हो रही है, मेरे मन का जो भ्रम है वो दूर नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, अब वो कर्मकांड को त्यागने के लिए तैयार है। फिर आती है उसकी उपासना कांड की स्थिति। उपासना कांड दोनों का मिश्रण है, एक भक्ति और ज्ञान का। भक्ति है स्वतंत्र, भक्ति मार्ग में कोई भी व्यक्ति अपने मन के अनुसार में, धर्म के अनुसार में, वो किसी भी एक चित्र को अपना सकता है। अगर मूर्ति नहीं है, कुछ लोग एक प्रतीक उसको मान लेते हैं, मतलब प्रतीक को सामने रख लेते हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप निर्विकल्प में नहीं जा सकते हैं, विचार में नहीं जा सकते हैं, विचार में भी आपको एक सपोर्ट चाहिए, एक आलंबन चाहिए, और वो आलंबन उपासना कांड में देवी देवताओं की सगुण साकार के रूप में दिया गया है। उपासना मार्ग आपको विचार मार्ग के लिए या ब्रह्म विचार के लिए परिपक्व कराता है। बड़ी क्लास में जाना है तो आपको छोटी क्लास में आपको मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, या जो साइंस है छोटी क्लास है उसे सीखना पड़ेगा। वही जो पहले वाली क्लासें होती हैं, वो आपको अगली क्लास में जाने के लिए आपको आपके मन को परिपक्व कराती हैं। डायरेक्ट अगर एडमिशन बड़ी क्लास में हो जाएगा तो वो वहां तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, खाली समय का बर्बाद रहेगा। तो उपासना मार्ग के अनुसार में भक्त को पहले किसी एक देवी देवता के एक चित्र को, एक मूर्ति को अपने सामने उसे अपना इष्ट बनाना है। वो उसके मन के अनुसार में, उसका मन जिस मूर्ति में ज्यादा श्रद्धा रखता है उसको वो अपना इष्ट मान ले, और इष्ट में भी वो स्वतंत्र है, उसमें भी अनेक उनकी पोज होती है, माना तो किसी पोज को वो अपना सकता है, यहां पूरा स्वतंत्र है। लेकिन ज्ञान मार्ग आपका वस्तुतंत्र है, वहां स्वतंत्र नहीं है, और उपासना में अर्थात
भक्ति में भक्त क्या करेगा कि मंत्र दीक्षा लेता है अपने गुरु से, भगवान की मूर्ति सामने होती है, जप करता है, उनको प्रणाम करता है, और वो ये भी देखता है कि मेरे इष्ट को सभी अन्य जो देवी देवता हैं वो प्रणाम कर रहे हैं, अच्छी बात है आरंभ में। लेकिन वो ये भी देखता है कि अगर किसी का दूसरा इष्ट है, कि माना अगर मेरे शिव हैं, अगर मेरे इष्ट अगर इनके शिव अगर इनके देवी हैं, तो जहाँ मेरे शिव जी खड़े हैं वहाँ तो सभी उनको प्रणाम कर रहे हैं, और जहाँ इनकी देवी है वहाँ भी इनको हमारे शिव जी प्रणाम कर रहे हैं। ये जो मन में है उसकी जो अनुचित धारणा उत्पन्न होती है ये उसे हटानी है, क्योंकि सभी देवी देवता जो सगुण साकार के रूप में हैं वो ब्रह्म के ही प्रतीक हैं। किसी भी आप सूरज का कोई भी अगर इल्यूमिनेशन है, सूरज का कोई भी अगर बिंब अगर कहीं भी बन रहा है, दृश्य बन रहा है, वो दृश्य के सहारे आप सूरज के पास पहुंच सकते हैं। सूरज यहाँ ब्रह्म है और दृश्य आपका सगुण साकार आपके इष्ट हैं। अब किसी भी बिंब को या किसी भी जो भी चित्र आपने कैमरे ने कैमरे से लिए हैं, किसी भी चित्र को आप कम नहीं आंक सकते हैं, किसी भी चित्र को आप ज्यादा नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि किसी भी चित्र से आप सूरज के पास में जाने के अधिकारी हैं। लेकिन जब आपका इष्ट जब आपके इष्ट हैं तो आपके लिए वो वही आपके लिए ब्रह्म के पास जाने के लिए दैट इज सफिशियंट, और बाकी जो और देवता हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो सभी देवता जो सगुण साकार है वो निर्गुण निराकार में विचार में समा जाते हैं। तो आरंभ में आपको विचार के लिए जाने के लिए आपको उपासना कांड अर्थात ज्ञान भक्ति मार्ग को अपनाना है। अपनाने के लिए अब उपासना में दूसरा स्टेप क्या है, फिर इसके बाद में मंत्र दीक्षा ली इत्यादि ली, आप विभिन्न प्रकार के स्रोतों का, राम रक्षा स्त्रोत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, दुर्गा कवच है, इत्यादि और भी हैं, उनको याद करके या उनको आप पढ़ कर करके उनके गुणगान को गाते हैं कि मेरे इष्ट में इतनी इतनी ये इनके गुण हैं, दिव्य गुण हैं इनके, और जो ऋषि मुनि जो ऋषि मुनियों ने इनसे प्रेरणा ले ली है, प्राप्त की है, उस ब्रह्म को जान लिया है, उन ऋषि मुनियों के भी गुणगान को आप गाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, सुनते हैं अपने कानों से आंखों से उनको अध्ययन करते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी भावनाएं और परिपुष्ट होंगी और आपका विश्वास और बढ़ेगा। ये भावनाओं को भक्ति मार्ग में जाने से पहले आपको कर्मयोग का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो कर्म भोग है, कर्म भोग में तो मन में अनेक प्रकार के विकार भी रहते हैं बीज के रूप में, लेकिन कर्मयोग के माध्यम से मार्ग से बाधाएं हट जाती हैं, जिससे कि आपका मन भक्ति मार्ग की ओर ठीक से बढ़े, और मन में जो अनेक प्रकार की जो शंका उत्पन्न हुई है वो शंका भी दूर होने लग जाती है। मन हटने पर में कर्मियों को पकड़ करके मल जब हट जाता है तो उपासना की ओर आपका जो कदम है वो जल्दी से बढ़ने लग जाता है, तब आपका ध्यान और भक्ति परिपुष्ट होने लग जाती है। इसके लिए अगर मन नियंत्रित भी तभी होगा जब आपका मन धनात्मक की ओर जाएगा। अब आपका ध्यान और भक्ति परिपुष्ट होती, भक्ति परिपुष्ट हो रही है तो आपका ध्यान लगने लगेगा। ध्यान में क्या होगा कि ध्यान में अभी ध्यान या भक्ति में स्मरण भी आता है, सुमिरन भी आता है, अर्चन भी आता है, वंदन भी आता है, ये सब जो है ध्यान मार्ग में सहायता है, अर्थात ये भी ध्यान की प्रतीक है। और ये उपासना अब जो उपासना कांड है अब ये विक्षेप दूर करती है, जैसे कर्म योग आपका मल दूर कर रही थी, मल हो गया, विक्षेप हो गया और आवरण हो गया। मल के माध्यम से व्यक्ति अब अशुभ कर्म को नहीं करता है, वो कर्म ग्रंथ से मुक्त हो जाता है, होने लग जाता है धीरे धीरे। और जब उसके कर्म शुभ कर्म बन जाते हैं और उपासना की ओर उसका मार्ग आगे को प्रशस्त होता है, तो ये उपासना उसके मन के भीतर जो उसके जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसके भीतर जो वासनाएं हैं, सबल डिजायर हैं, वो दूर होती हैं।
मन का विक्षेप, जैसे कि सरोवर को शांत करना है तो वो उसमें हवा चल रही है निरंतर, तो वो हवा शांत हो जाती है, अर्थात मन अब संसार के विभिन्न भोगों की ओर रुचि नहीं रखता है, नहीं रखता है तो मन शांत हो जाता है। इसे कहते हैं आपका विक्षेप धीरे धीरे शांत हो रहा है, और जब विक्षेप शांत होने लग जाता है उपासना से, अब आप विचार मार्ग की ओर बढ़ने लग जाते हैं, विचार शक्ति आपकी प्रबल बन जाती है, विचार शक्ति के माध्यम से आपका विवेक प्रखर होने लग जाता है, और विवेक का प्रकाश इसको आप फैलने देंगे अब आप। लेकिन इस प्रक्रिया में आपको अब, क्योंकि विचार में या ज्ञान मार्ग में आपको ये वस्तुतंत्र है अर्थात और कुछ नहीं मिलाना है आपको, भक्ति मार्ग में आपने अपने मन की अपने मन को मिला लिया था, मन के अनुसार में बहुत कुछ मिलाया था, उसमें कोई हर्ज ही नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग में या विचार मार्ग में आप कुछ नहीं मिलाएंगे। जैसा ऋषि मुनियों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने जैसा कह रखा है उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तब फिर आपकी बुद्धि अनुभव करेगी कि एक प्रश्न आएगा उसके आगे कि मैं कौन हूं। बुद्धि जब यह प्रश्न करती है तो बुद्धि से इसका आंसर नहीं देना है, मतलब अब आपको केवल बुद्धि पर अटकना नहीं है, आपको ये जानना है कि ये तीन शरीर हैं, एक तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इन तीनों शरीरों को जो प्रकाशित कर रहा है, जो इनको जो चेतना दे रहा है, जो इनके सभी क्रियाओं के पीछे है, वो क्रिया जो चैतन्य है वो आत्मन है, वो मैं हूं। उसे जानने के लिए आपको तीन लोगों का अध्ययन करना है, भूर भुव स्व, जैसे तीन लोग हैं, जागृत है, स्वप्न है और सुसुप्ति है। इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से आप स्थूल जगत की व्यवहार में रहते हैं, जैसे आम खा रहे हैं तो आप जो हैं इंद्रियों और मन के जगत में रहते हैं, ये आपका भूलोक हो गया, स्थूल जगत हो गया, स्थूल शरीर हो गया, ये कार्य स्थूल शरीर से हो रहे हैं। कि माना माँ अपने बालक को प्रेम कर रही है, तो ये भूलोक नहीं है, ये भूअर लोक है, ये हृदय स्तर पर चल रहा है, हृदय आकाश में ये चल रहा है, इसका अनुभव इंद्रियां नहीं कर सकती हैं। अब तीसरा लोक है भूर वह स्वर लोक, स्वर लोक में माना कि आपको बहुत ही क्लासिकल म्यूजिक आप गा रहे हैं, भाव विभोर हो गए हैं, या कोई वैज्ञानिक उसने बहुत कोई उन्नति बहुत खोज कर ली है विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो वहां पर वो न तो भूलोक में न भूवरलोक में, वो स्वरलोक में है। भूलोक का स्थान होता है आपका नाभि चक्र, भूवरलोक का स्थान है आपका हृदय चक्र, और स्वरलोक का स्थान है आपका आज्ञा चक्र। और यही जो तीन लोक हैं ये संसार के व्यवहार को बनाते हैं। जब आप आम चख रहे हैं तो आम चख रहे हैं तो उसके पीछे कोई ऐसी कोई चैतन्य नहीं है कि जो आपसे आम के आपको इंद्रियों को आम के स्वाद को दिला रहा है। माँ अगर बालक से या बालक माँ से प्रेम कर रहा है तो वो उसके पीछे जो प्रेम है, उस प्रेम के पीछे जो चैतन्य है जिसके वजह से प्रेम का उसके भीतर अनुभव हो रहा है, और जो वैज्ञानिक जो या कोई संगीतज्ञ है भाव विभोर होकर के उस संगीत को सुना रहा है या कोई खोज अगर कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई चैतन्य है कि जिसके प्रकाश में, जिस प्योर अवेयरनेस के प्रकाश में वो कार्य किया गया है। ये तीनों संसार के व्यवहार को बनाते हैं, इंद्रियों का जो प्रकाश जो 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 चैतन्य है, भावनाओं की चैतन्यता हो गई, और अपने बुद्धि का की चैतन्यता हो गई, अर्थात विचारों की महान विचार शक्ति की चैतन्यता हो गई। विचार कह रहे हैं, शक्ति कह रहे हैं, विचार के पीछे कोई शक्ति है, किंतु विचार मार्ग में विचार, क्योंकि हम विचार का अध्ययन कर रहे हैं, विचार में आपको यह अनुभव करना है कि मैं ये इनमें से कुछ भी नहीं हूं, जो चैतन्य ये जो सब चैतन्य चल रहे हैं मैं ये नहीं हूं, बल्कि ये तो जैसे कि मैं सूरज के समान हूं, तो सूरज का जो बिंब, जो सूरज का जो प्रकाश है जैसे ऊपर बादलों को प्रकाशित कर रहा है, तो
वो बुद्धि का प्रतीक हो गया। थोड़ी नीचे आ जाए तो इंद्रधनुष हो गया, बड़ा सुंदर भावनाओं का प्रतीक हो गया। थोड़ा नीचे और पहुंच जाए तो इंद्रियों का प्रतीक हो गया। इन तीनों में जो चैतन्य है, जिसकी वजह से ये अपने ये अनुभव में आ रहे हैं, उनके उनके पीछे की जो वास्तविकता है वो मैं हूं। मैं हूं, लेकिन साथ में इनसे मैं असंग भी हूं। मेरे ही प्रकाश में या मेरे ही चैतन्य में जो आनंद घन है, उसी के प्रकाश में ये तीनों लोक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, चाहे ये ब्रह्मांडीय स्तर पर हो। लेकिन मैं सूरज के समान इनसे प्रभावित नहीं हूं, मैं वही सत्य चित्त आनंद के स्वरूप में हूं। और उसका अनुभव मुझे कब होता है कि जब मैं नींद में चले जाता हूं, नींद में ये तीनों लोग गायब हो जाते हैं और मैं अकेला रहता हूं, तो मैं वही आनंद स्वरूप हूं। इसको दिन प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से, विचार के माध्यम से अभ्यास में करना है। मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप हूं और बाकी जो कुछ भी है इस ये भूर भुव स्वर लोक में, ये सब मेरे प्रोजेक्शन है और ये सब काल्पनिक है। सिनेमा हॉल में अगर बैठे हैं तो सिनेमा हॉल में जो पर्दा है और जो प्रकाश है वो सत्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, और उसी के प्रकाश में जो सिनेमा में कुछ जो है भूलोक पर अनुभव हो रहा है, व्यक्ति चल रहा है उसमें, बोल रहा है, भावनाओं को व्यक्ति भी वो कर रहा है उसके भीतर, और कुछ बुद्धि के माध्यम से वो अनेक प्रकार के अलौकिक अनुभव का भी अनुभव कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। जो कुछ भी उसमें हो रहा है उसके पीछे का जो उनमें जो कुछ भी जो चैतन्यता आ रही है भूर भुव स्वर लोक में, वो केवल उसके पीछे दैट इज अ स्क्रीन, पर्दा है वो, और वो प्रकाश है। वो प्रकाश अगर उसको हम केवल अभी हम पर्दा ही बोलते हैं, वो जो स्क्रीन है इनसे बिल्कुल अनअटैच्ड है, असंग है, क्वारंटाइन है, आइसोलेट है, वहां पर किसी प्रकार का कोई भी जो कोरोना वायरस नहीं पहुंच पा रहा है। वो मेरा अपना स्वरूप है। जो कोरोना वायरस अगर पहुंच रहा है तो वो केवल सिनेमा के जो रील है, जो फिल्म चल रही है उसमें पहुंच पा रहा है, और मैं जो स्क्रीन के समान में, मैं पर्दे के समान में जो उससे अतीत हूं, या जो 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 वास्तविक मैं है, ब्रह्म स्वरूप है, उस पर कोरोना कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है। अतः धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हुए आपको इन तीनों लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देना है। महत्व नहीं देंगे तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि डीप डाउन मैं आकाश के समान में हूं। किंतु यदि अगर हम ऋणात्मकता में रहेंगे, अशुभ विचारों में रहेंगे, उसी के प्रति हम चिंताग्रस्त रहेंगे, तो क्या होगा कि व्यक्ति उनको महत्व देने लग जाता है। वो एक प्रकार का स्वप्न है। आपको ये विचार से, अर्थात आपको अगर आरंभ में अभी आरंभ नहीं हुआ है, तो आप पहले सकाम कर्म के माध्यम से कर्मकांड का सारा लीजिए। लेकिन ये नहीं कि कर्मकांड का सारा लें तो वहीं पर अटक जाए, उसके साथ साथ में साथ साथ ही आपको उपासना कांड का भी सारा लेना है, क्योंकि इन तीनों में कोई भी डिमार्केशन नहीं है कि ये किस पर्टिकुलर जगह पर हो जाएगा। आप हो सकता कि उपासना कांड में आ रहे हैं और तुरंत आप कहीं फिर कर्मकांड में नीचे गिर गए, या कर्मकांड में बीच में अचानक आप ज्ञान कांड में आ गए। जब इस मार्ग को आप पकड़ते हैं तो धीरे धीरे आपका जो अनुभव है, तो आप फिर इस संसार के जो प्रलोभन है इसमें ज्यादा संलग्न नहीं रहते, क्योंकि आपको यह ज्ञात हो जाता है कि ये स्वप्नवत है और संपूर्ण संसार वही परिपूर्ण ब्रह्म है। सुखैक रस, वही जो एक है वो सुख रस स्वरूप है, एक रस आनंद है, और सब कुछ ब्रह्म से निकलता है। जैसे कि जितने भी प्रोजेक्शन से आकाश में जितने भी सूरज के जहां कहीं भी दिखते हैं बिंब हैं, वो केवल उसके प्रोजेक्शन से हैं और उसी में समा जाते हैं और उसी पर स्थिर रहते हैं, मतलब सहारा भी उनसे प्राप्त होता है।
जैसे बादल आकाश में है, तो बादल को संपूर्ण सहारा कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है, बड़े प्रेम से उनको उनको थामा हुआ है, और अंत में आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। आकाश में उत्पन्न होते हैं, आकाश में विलीन हो जाते हैं, आकाश आकाश रह जाता है और जो बादल हैं वो बिखर जाते हैं। अर्थात वो सब काल्पनिक है, जो वास्तविक है वो आपका स्वरूप है। तो इसके लिए इसको आपको बार बार उसमें चिंतन करना है, विचार करना है, और विचार शक्ति जितना ज़्यादा आपकी परिपक्व होगी प्रतिपल, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। अगर कोई भयानक भी अगर स्थिति अगर आ रही है, सुख की स्थिति आ रही है, तो आपको ये याद रखना होगा कि भयानक स्थिति में आकाश में घने बादल आए हुए हैं, सुख की स्थिति में आकाश में सुंदर बादल आए हैं, किंतु जो ब्रह्म है, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, जिसको हु एम आई कह रहे हैं, वो इस आकाश के समान है। यही कहना, यही विचार करना आपके भीतर, आपके हृदय की गहराई में अनेक प्रकार के शुभ संस्कार को एकत्र कर देता है, और वो फिर बाद में मल्टीप्लाई होकर के आपको आगे जब स्थिति आती है, जब विचार करते हैं, तो विचार शक्ति की आपकी विचार शक्ति को और भी परिपुष्ट कर देते हैं।